एक्चुअली उड़िया फिल्म का जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो 1936 से स्टार्ट हो गया है और दुर्भाग्यवशत अब तक उड़िया फिल्म का इतिहास नहीं लिखा गया है। तो मैं इस पर कोशिश किया हूँ कि 21 उड़िया फिल्म को लिया हूँ, जिस 21 उड़िया फिल्म उड़िया इतिहास में, उड़िया चलचित्र के इतिहास में, उड़िया सिनेमा के इतिहास में टर्न एंड ट्विस्ट आया है, जो डिफरेंट डिफरेंट मोड दिया है, तो उसकी उसका कहानी, उसका किरदार और वो जो उड़िया फिल्म था 21 उड़िया फिल्म, वो किस किस ढंग से, किस 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 द्वारा से उड़िया फिल्म को या प्रांतीय फिल्म को या रीजनल फिल्म को इम्पेक्ट प्रभावित किया है, उसके ऊपर ये किताब है। और मुझे लगता है कि ये पुरस्कार, चूँकि मैं एक पत्रकार हूँ, तो ये पुरस्कार उड़िया फिल्म पत्रकारिता को दिया गया है और ये पुरस्कार जितने भी उड़िया फिल्म पत्रकार हैं उड़िया, उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली उड़िया फिल्म का जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो 1936 से स्टार्ट हो गया है और दुर्भाग्यवशत अब तक उड़िया फिल्म का इतिहास नहीं लिखा गया है। तो मैं इस पर कोशिश किया हूँ कि 21 उड़िया फिल्म को लिया हूँ, जिस 21 उड़िया फिल्म उड़िया इतिहास में, उड़िया चलचित्र के इतिहास में, उड़िया सिनेमा के इतिहास में टर्न एंड ट्विस्ट आया है, जो डिफरेंट डिफरेंट मोड दिया है, तो उसकी उसका कहानी, उसका किरदार और वो जो उड़िया फिल्म था 21 उड़िया फिल्म, वो किस किस ढंग से, किस 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 द्वारा से उड़िया फिल्म को या प्रांतीय फिल्म को या रीजनल फिल्म को इम्पेक्ट प्रभावित किया है, उसके ऊपर ये किताब है। और मुझे लगता है कि ये पुरस्कार, चूँकि मैं एक पत्रकार हूँ, तो ये पुरस्कार उड़िया फिल्म पत्रकारिता को दिया गया है और ये पुरस्कार जितने भी उड़िया फिल्म पत्रकार हैं उड़िया, उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। मैं बहुत खुश हूँ। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।